प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करता हाँ अज की वीडियो विच। अज मैं तो सबनों करवाउण जा रहा हाँ क्लास अठवीं साइंस का यह मॉडल टेस्ट पेपर। तो बिना किसी देरी तो आप इस वीडियो नू करते हाँ शुरू। चलो फस्ट क्वेश्चन, अटैम्प्ट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस। इस द फस्ट पार्ट है ब्रॉडकास्टिंग इज अ मैथड ऑफ, तो इसका उत्तर है सी सोइंग। सेकंड, विच वन ऑफ दीज कैन मेक इट्स ऑन फूड, तो इसका उत्तर है ए एल्गे, एल्गी यानी। थर्ड, चूज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, तो इसका उत्तर है सी विंड। फोर्थ, बर्निंग ऑफ सीएनजी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका उत्तर है ए रैपिड कंबस्चन। तो अगे वधन तो पहला मैं सबनों यही दसना चाहूँगा कि यह जो सैंपल पेपर है यह क्यों इंपोर्टेंट है। यह इसलिए इंपोर्टेंट है ताकि सब तो पहले तो जो इस एमसीक्यूज फिलअप्स होंगे हैं वह तो थोड़े पेपर में आने ही, क्लास अठवीं का थोड़ा बोर्ड का पेपर है। तो देखो जो वह होंगे लिमिटेड रिसोर्सिस तो ही आते हैं, तो एवें ही सैंपल पेपर ही पाए जाएंगे। तो जरूर तो हर एक सैंपल पेपर करना पवेगा, हर एक सैंपल पेपर करने लिए मेरे चैनल सबसक्राइब करना पवेगा, बैल आइकन दबना पवेगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिले। मैं तो क्वालिटी सैंपल पेपर लेके आना हाँ। हुण आप वधदे हाँ अगे। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग प्रोड्यूसेस, तो इसका उत्तर है ए ज़ाइगोट। सिक्स्थ, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एट, तो इसका उत्तर है डी 22 में। सेवंथ, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेस, तो इसका उत्तर है ए गोइटर। अगे है यह प्रश्न है एट्थ, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसका उत्तर है पास्कल। अगे नाइन्थ, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट, तो इसका उत्तर है सी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो टेंथ, साउंड कैन ट्रैवल इन, तो इसका उत्तर है डी गैसेस लिक्विड गैसेस ऑल, सॉलिड आना चाहिए गैसेस लास्ट वाली जगह। हुण देखो अगे वधन तो पहला जे तुहानू कोई होर सब्जैक्ट का भी सैंपल पेपर चाहिए होवे तो वह तुम मैं कॉमेंट सैक्शन में दस सकते हो, मैं तुहाडे लई उसका भी सैंपल पेपर लेके आ जावांगा। एवें ही यह साइंस का सिर्फ एक सैंपल पेपर है, एवें मैं कई होर सैंपल पेपर जरूर करावांगा तुहानू अलग अलग पब्लिशर से ताकि तुहाडी जो अच्छी तरह तैयारी हो सके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ज़्यादा तो ज़्यादा स्कोर कर सको। तो उसके नाल ही मैंने एम सी क्यूज फिलअप्स दस दते, वन मार्क्स क्वेश्चन भी उस ही आ जाते हैं। पर जो वे प्रश्न हैं, वे प्रश्न तुहाडे लई इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जे तुसी उन्हां दी प्रैक्टिस करोगे तो तुहानू उंज दा प्रश्न आउणगे ही। नाल जो सैंपल पेपर विच प्रश्न दित्ते हुंदे हन उन्हां दी सब तो ज़्यादा महत्ता हुंदी है कि वह पेपर विच सब तो वध आ सकते हैं। तो चलो हुण आपां वधदे हाँ अगे। नाइन्थ, रिम ऑफ व्हीकल्स आर कोटेड विद, तो इसका उत्तर है सी क्रोमियम। अगे ट्वेल्थ, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ, तो इसका उत्तर है ए इलेक्ट्रॉन्स। अगे थर्टीनथ, विच इज यूज टू सी ब्यूटिफुल पैटर्नस, तो इसका उत्तर है डी कलाइडोस्कोप। अगे फोर्टीनथ, अर्थवॉर्म इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग, तो इसका उत्तर है डी वर्मी कंपोस्ट। फिफ्टीनथ, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन, तो इसका उत्तर है बी अमीबा। मैच द फॉलोइंग। सिक्सटीनथ, एटमोस्फेयरिक प्रेशर फोर्स पर एरिया, पैनक्रियास, इंसुलिन, ग्लास, नॉन कंबस्टिबल, नॉक्टर्नल एनिमल, ओल, एच आई वी वायरस। तो इस जिन्हें भी प्रश्न उत्तर होणगे मैं सब सारे का तुहानू उत्तर देवांगा। हुण आपां वधदे हां कि फिल इन द ब्लैंक विद बाय चूजिंग करैक्ट आंसरस। तो की आएगा 21st, माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया इन डैश सीजनस, तो इसका उत्तर है विंटर सीजन। डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, तो इसका उत्तर है आउटर। अगे रबिंग बोथ हैंड्स प्रोड्यूसिस डैश ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इसका उत्तर है हीट। अगे 14th, एयर इन मोशन इज कॉल्ड, तो इसका उत्तर है विंड। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स, तो इसका उत्तर है रबी क्रॉप्स। अगे फंजाई लाइक डैश कॉज फूड पॉइजनिंग, तो इसका उत्तर है एस्परगिलस फ्लेवस।
अगे बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूसेस डैश गैस, तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड। अगे हर्ट्स इज यूनिट ऑफ डैश, तो इसका उत्तर है फ्रीक्वेंसी। द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड डैश, तो इस तरह हॉर्मोन्स। अगे 30 इलेक्ट्रिक टेस्टर यूजेस डैश इफेक्ट ऑफ करंट, तो इस तरह मैग्नेटिक। अगे राइट ट्रू और फॉल्स, सब तो पहला 31st सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग देन डीजल, तो इसका उत्तर है रॉन्ग। एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस, तो इसका उत्तर है सही। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन, तो इसका उत्तर है सही। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसका उत्तर है गलत। डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो इसका उत्तर है सही। हूँ आ चुके यहाँ पर 2 मार्क्स क्वेश्चन देते, कोई भी 12 कर सकते हो जिदा तुम, पर मैं सारे ही कराने की कोशिश करा। देखो डिफाइन वीड, नेम एनी 2 वीड्स। वीड इज अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वॉन्टेड एंड इट एंड इन कॉम्पिटिशन विद कल्टिवेटेड प्लांट्स। एग्जाम्पल है ट्रसैक्सम ऑफिसिनेट। अगे चलते हाँ दूजे प्रश्न, तीजे प्रश्न उत्ते। नेम एनी 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन कैटल, तो इस तरह एंथ्रेक्स एंड ब्लैक क्वार्टर आर बैक्टीरियल डिसीजेस ऑफ कैटल। 4th लिस्ट 2 कंडीशन अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस, तो इसका उत्तर है कंबस्टल सब्सटेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रिजर्व ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगे 5th है राइट 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अर्बनाइजेशन माइनिंग एटसेट्रा। अगे 6th डिफाइन फर्टिलाइजेशन, गिव डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर इनसाइड द बॉडी इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगे 7th प्रश्न राइट 4 चेंजेस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी, तो इस तरह इंक्रीज इन हाइट वॉइस चेंज मोर हंगरनेस एंड ग्रोइंग ऑफ हेयर। अगे है 8th पेपर कप कैचेस फायर इजिली बट डज नॉट बर्न व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, गिव रीजन, तो की है द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडीशन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। अगे 9th डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नाल ही दसना है राइट 2 मेथड्स टू इनक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्फेसिस दैट आर इन कंटैक्ट विद दे मूव ईच अदर व्हेन दे मूव अपॉन ईच अदर, मेकिंग द सर्फेस रफ बाय रिमूविंग द लुब्रिकेशन कैन इनक्रीज फ्रिक्शन। अगे 10th व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अगे 11th नेम फूड आइटम्स गुड फॉर एडोलेसेंस, तो इसका उत्तर है एडोलेसेंट मस्ट हैव अ वेल बैलेंस्ड डाइट, अ वेल बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एन एडिक्वेट अमाउंट। अगे 12th फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईविल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो इसका उत्तर है बिकॉज इट इज एज यूजफुल एज इट इज हार्मफुल, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक राइट होल्ड थिंग्स एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। अगे है 13th वाई डू इलेक्ट्रिशियन वीयर रबर शूज एंड रबर ग्लव्स, तो इसका उत्तर है बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर एंड सेव्स हिम फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रिक शॉक्स। 14th ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यह तुम बना सकते हो। 15th वट इज पेंडेमिक, नेम एनी 2 पेंडेमिक, अ पेंडेमिक इज अ डिसीज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज एरिया और द वर्ल्ड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड लाइक डेंगू एंड करोना। अगे है 16th राइट लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम तुम खुद बना सकते हो, मैं थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन दस दिना हाँ। द प्रिंसिपल वैन द लाइट रेज फॉल ऑन द स्मूथ सर्फेस द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसीडेंस, ऑल्सो द इंसीडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
अगे 17 एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कोल द सूत्र कोल इज क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स मेन टाइप्स आर एंथ्रासाइट बिटुमेनियस सुबिटुमेनियस एंड लिग्नाइट अगे है प्रश्न 18 व्हाट इज अल्ट्रासाउंड राइट वन यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट तो इसका उत्तर है साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी हायर देन अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन हेयरिंग आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंटरनल इलनेसेस यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज्ड टू एग्जामिन द फीटस अगे 3 marks क्वेश्चन डू एनी 7 19th क्वेश्चन राइट 3 tips एडवाइज्ड बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टू सेव पेट्रोल और डीजल तो इन्हों के उत्तर मैं तो सबू नहीं करावगा पर क्वेश्चन जरूर दस देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साढ़े है अगे 20th राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर 21st राइट 3 harmful इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स 22 एक्सप्लेन एन एक्टिविटी दैट एटमोसफियर एग्जर्ट्स प्रेशर 23 Draw label diagram of human eye. 24th. Can sound travel through vacuum? If not, explain it by an activity. 25th. Define force. Differentiate between contact and non-contact force. 26th. Explain how vermicompost is prepared. 27th. Write 3 consequences of deforestation. 28th. Write 3 methods to reduce friction. तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो इन्ना ही मैं तो सबू मिलूंगा अगली वीडियो में जे तो हज तक नहीं किया है मेरे चैनल सबसक्राइब तो करके चले जाओ और ही कर दो इस वीडियो में लाइक उस बैल आइकन भी प्रेस कर दौ धन्यवाद इस वीडियो में बुरे देखने के लिए।